आपको बता दें, भारत से चीन काफ़ी खुश हो गया है। क्यों हो गया है तो आपको समझाएं कि भारत ने ऐसा क्या किया कि खुश हो गया चीन। ग्लोबल टाइम्स ने की जमकर तारीफ। देखो, सब लोग एक ही चीज़ के लिए लालची हैं, वो है पैसा, मनी, डॉलर, युआन, इसकी बात हो रही है। तो हुआ ये है कि इंडिया रशिया युआन पेमेंट के रिलेटिव एक बढ़िया मज़ेदार खबर है। भारत की तेल रिफाइनरियों ने रूस को कुछ पेमेंट चीन की मुद्रा युआन में करना शुरू किया है। इस रिपोर्ट के सामने युआन की वजह से, है ना, युआन की वजह से चीन गदगद हो गया है। चीन के माउथ पीस ग्लोबल टाइम्स ने इसे डॉलर का एक छत्र राज खत्म होना बताया है, जिसे बोलते हैं डी डॉलराइजेशन। ये तो होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर देखते हैं किसका मनी सबसे आगे निकलता है, वो रुपीज़ निकलता है कि चाइना की युआन। अगर कंपैरिजन करें तो वैसे भारत ने करीब 20 देशों के साथ रुपीज़ के लेन देन में कुछ हस्ताक्षर किए हैं। ग्लोबल टाइम के मुताबिक लगातार युआन का बीजिंग युआन का यूज होना थोड़ा सा बढ़ना, आपको बताएं कि ये चीन के लिए काफ़ी फ़ायदा है, बीजिंग के लिए काफ़ी फ़ायदा है। बीजिंग की तरफ से खबर आई है कि रूस और यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही भारत को डिस्काउंट रेट में क्रूड ऑयल मिल रहा है। अभी तक भारत रूस से रुपए के बदले में क्रूड ऑयल ले रहा था, लेकिन रूस के दबाव के बाद अब भारत की रिफाइनरियों ने कुछ पेमेंट चीनी मुद्रा युआन में करना शुरू कर दिया है। खाने वाली चीनी है, चीनी देश की बात हो रही है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण रूस और भारत दोनों कोई पेमेंट के लिए डॉलर का विकल्प खोजना था। अब विकल्प का मतलब डॉलर के अलावा आप क्या यूज कर रहे हो। युआन में पेमेंट के बाद से चीन गदगद हो गया। चीन के माउथपीस कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत की यह नीति, ये इस टाइप का कदम डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा कदम है। आपको बता दें कि इसके साथ ही उसने युआन के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीयकरण इंटरनेशनल लेवल पे की तारीफ की। चीनी विशेषज्ञों ने कहा, एक्सपर्ट्स ने क्या, चाइनीज एक्सपर्ट ने, कि भारत में पेमेंट से युआन के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा ग्लोबल टाइम्स ने अनुसंधान केंद्र फॉर डिजिटल इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल इनोवेशन के निदेशक पैन हेलिन के हवाले से कहा कि भारत के कदम से युआन का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और दुनिया के बाजारों में इसकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फाइनेंस और सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के निदेशक डोंग डैगस्टन ने कहा कि यह कदम चीन, भारत और रूस में डी डॉलराइजेशन को बढ़ाएगा। ब्रिक्स देश नहीं चाहते। अगर हम ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इस खबर को माने तो ब्रिक्स देश इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर के इस्तेमाल को बदलना चाहते हैं, और इसलिए इस साल के अंत में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले शिखर सम्मेलन में एक आम मुद्रा शुरू करने की भी चर्चा होने वाली है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन के मुताबिक युआन की वैश्विक हिस्सेदारी अप्रैल में 2.29% थी, जो मई में बढ़कर 2.52% हो गई है। भारत का तेल आयात ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि भारत में रूस से तेल का आयात जून में रिकॉर्ड बना चुका है। जून में हर रोज की मात्रा अगर देखें तो 22 लाख बैरल हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक यह खरीद सऊदी अरब और ईरान के संयुक्त शिपमेंट से भी काफ़ी ज़्यादा है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक युआन को लगातार दुनिया स्वीकार कर रही है और यह अमेरिका के डॉलर के मुकाबले काफ़ी कम है, लेकिन शुरुआत अच्छी है। और अमेरिका के डॉलर के एक छात्र राज को ख़त्म करने के लिए
एक लहर सी शुरू हो गई है। और भारत से पहले पाकिस्तान ने भी डॉलर में पेमेंट किया था, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने युआन में। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे यूरोप में आग की तरह फैल गया है एक लड़के का वायरल वीडियो। हुआ क्या है, फ्रांस में एक लड़के को रोका गया, कार चला रहा था, 17 साल का था, और जैसे ही उसे रोका गया उसने पुलिस वालों की बातचीत नहीं मानी। अब हुआ क्या है, फ्रांस में बहुत सारे अफ्रीकी देश के, अल्जीरिया वगैरह के लोग रहते हैं, जिस तरीके से हमारे देश में भारत में रोहिंग्या रहते हैं, तो उसमें से एक लड़की नाहेल की डेथ हो गई, गोली मार दी पुलिस वाले ने, तो वो मर गया। इसकी वजह से पूरे फ्रांस, सुंदर से सुंदर फ्रांस में जो अपनी फैशन के लिए जाना जाता है उसमें आग लगा दी। अब हुआ क्या है, अब इसके बाद तो और ही मैटर खड़ा हो गया। इससे पहले एक और मैटर हुआ है, वो आपको बताएं कि स्वीडन में बकर ईद के दिन, बकरा ईद के दिन है ना, हुआ क्या है, कुरान को जला दिया गया। इसके जलाए जाने के कारण से OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री की एक बैठक हुई, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि स्वीडन को करारा जवाब दिया जाएगा। अब देखते हैं इससे संबंधित एक खबर बढ़िया वाली। मस्जिद के सामने कुरान जलाए जाने पर भड़का OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री का एक ग्रुप। तो स्वीडन ने क्या जवाब दिया है, स्वीडन के स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के सामने कुरान जलाए जाने की घटना को इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन ने पवित्र कुरान और इस्लामी मूल्यों प्रतीकों उसकी पवित्रता का उल्लंघन का प्रयास बताया है। OIC की टिप्पणी के बाद स्वीडिश सरकार ने कुरान जलाए जाने की घटना पर प्रतिक्रिया दी है। बकरीद के मौके पर कुरान जलाए जाने की घटना पर पूरे वर्ल्ड में दहशत का माहौल है। स्वीडन सरकार ने अपना बयान जारी करते हुए इसलिए इस्लामोफोबिया कृत बताया है। स्वीडिश सरकार का यह बयान ऐसे समय में आया है जब इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन ने मस्जिद के सामने कुरान जलाए जाने की घटना की कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उनकी बैठक भी हुई है। OIC ने बयान जारी करते हुए कहा है कि यह घृणित कृत्य पवित्र कुरान और अन्य इस्लामी मूल्यों प्रतीकों उसकी पवित्रता का उल्लंघन का प्रयास है। OIC ने कहा था कि सभी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के तहत सार्वभौमिक रूप से सभी देश सभी लोगों के लिए मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करें। OIC के इस बयान के बाद स्वीडन सरकार ने स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के सामने कुरान जलाए जाने की घटना की निंदा कर डाली और इसे इस्लामोफोबिया कृत्य बताया। स्वीडिश विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि स्वीडिश सरकार इस बात को पूरी तरह से जानती है कि स्वीडन में प्रदर्शनों के दौरान कुछ व्यक्तियों के इस्लामोफोबिक कृत्य मुसलमानों के लिए अपमानजनक हो सकता है। हम इन कृत्यों की कड़ी निंदा करते हैं जो कि किसी भी तरीके से सही नहीं है और स्वीडिश सरकार के विचारों को प्रदर्शित नहीं करता। स्वीडन में कुरान जलाने की मंजूरी क्या है, यूरोपिया जिससे डर रहा है यूरोप, इस्लामोफोबिया के बारे में तो सब बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन एक और टर्म है यूरोपिया, ये है यूरोप का अरबीकरण, मतलब यूरोप का अरबीकरण, ये तो बहुत ख़तरनाक है, जिसे लेकर पश्चिम बहुत डरा हुआ है। यही वजह है कि स्वीडन में कुरान जलाया जा रहा है और फ्रांस में मुस्लिमों पर सख्ती से निपटने की बातचीत चल रही है। इटली में मस्जिदों के बाहर प्रेयर करने पर पाबंदी लगाने की चर्चा चल रही है। यूरोपीय देश स्वीडन में एक बार फिर से कुरान जलाए जाने की तैयारी की जा रही है। विरोध प्रदर्शन के लिए एक शख्स को इसकी इजाज़त दी गई है, पहले भी ऐसा हो चुका है, जिसकी वजह है नाटो, मतलब स्वीडन नाटो में जाना चाहता है और तुर्की मुखौटा पहने हुए इस्लामिक कंट्री का और वो नाटो में जाने नहीं देना चाहता। आपको बता दें कि तुर्की ने भी कम अत्याचार नहीं किए, उन्होंने एक गिरजाघर को तोड़ करके मस्जिद बना दी, तो अपने कृत्य लोगों को दिखाई नहीं देते और दूसरे कुछ करते हैं तो सब दिखाई देते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं, सब रोने लगते हैं, छाती पीटने लगते हैं। इसके बाद भी स्वीडन अड़ा हुआ है, यहाँ तक कि बहुत से यूरोपियन देश उसके पाले में आ चुके हैं। वहाँ मुस्लिम चरमपंथ को घटाने के नाम पर कई बदलाव भी होना शुरू हो गए हैं। कहाँ से आए यूरोप में मुस्लिम, ये आपको बताएं।
यूरोप में मुस्लिम आबादी सीरिया, इराक और युद्ध से जूझते देशों से आ गई। शुरुआत में यहाँ शरणार्थी को सरकारों ने काफ़ी उदार नीति से उन्हें ले लिया। इसमें उनका खुद का भी हित था। कम आबादी वाले देशों के पास पैसे तो खूब थे, लेकिन काम करवाने के लिए नौकर चाकर नहीं थे, मैन पावर की ज़रूरत थी। तो इस तरह से 40 के दशक में यूरोप में मुस्लिम 60 के दशक में